हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे इस कॉटन ब्रा को बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनाया जाए घर पर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, ब्रा बनाने से पहले हमें एक बात यहाँ पर जाननी ज़रूरी है, जैसे कि हम 32 या फिर 34 या फिर 36 इंच की ब्रा बना रहे हैं, यानी कि 32 इंच की, तो उसका हम फोर्थ कर लेंगे। तो 8 इंच का हमें ये चौरस फैब्रिक यानी स्क्वायर फैब्रिक लेना है, ठीक है, 8x8 इंच का। अगर हम 34 की बना रहे हैं तो उसका हम फोर्थ कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इस स्क्वायर पीस को लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 34 का फोर्थ होगा 8.5 एंड 8.5। इसी तरीके से 36 का भी फोर्थ हम ले लेंगे 9x9 इंच का। तो ये स्क्वायर पीस जो है हमें इसके अकॉर्डिंग लेने हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर ये दो स्क्वायर पीसेस ले लिए हैं 8x5 इंच बाय 8x5 इंच के। तो इसको हमें इस तरीके से, देखिए, पहले यूं हमारा जो डायगोनल साइड है यूं होना चाहिए, और इस कॉर्नर से हमें ये जो फोल्डेड साइड का कॉर्नर है मिला लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से हमें दूसरा पीस भी लेना है और इसको यूं मिला देना है। अब देखिए, ये कॉर्नर मेरे इस उंगली पे और डायगोनल साइड इस तरीके से रखनी है, और यहाँ पर हमें इस दोनों कॉर्नर को आपस में मिलाकर बाकी के हिस्से की कटिंग कर लेनी है जो हमने फोल्ड किया। तो ये हिस्सा इस तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले काम जो हमें करना है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करनी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दोनों पीसेस स्टिच कर लेने हैं। तो देखिए, हमने ये दोनों पीसेस स्टिच कर लिए हैं, डार्ट की स्टिचिंग हमने कर ली है। अब हम इस तरीके से इन दोनों पीसेस को रखेंगे ऐसे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। यहाँ एंड तक हमें नहीं करनी है, बल्कि दोनों पीसेस की यहाँ पर हमें 1.5 इंच तक स्टिचेस कर लेनी है आपस में मिलाकर, और उसके बाद दोनों तरफ साइड की स्टिच कर लेनी है। यानी कि ये जो कॉर्नर है इसे टर्न कर लेना है, ये दोनों पीसेस को हमें 1.5 इंच तक आपस में जोड़ लेना है, और फिर उसके बाद ये वाला पीस भी स्टिच करना है और इधर वाला भी। तो आगे करके दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, हमने जो बाहरी कॉर्नर है उसको पहले स्टिच कर लेंगे ऐसे, या फिर आप इतने ही सेम नाप की लाइनिंग का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम दोनों पीसेस को आपस में यूं आमने सामने रख, और यहाँ से 1.5 इंच यानी 1.5 इंच तक इनको आपस में स्टिच कर लेंगे। देखिए, 1.5 इंच तक ऐसे, ठीक है, और ये जुड़ गया। इसके बाद हम बाकी का जो हिस्सा है उसे, उसके किनारों को इस तरीके से स्टिच लगा के इसकी फिनिशिंग कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो देखिए इस तरीके से हमें एंड तक इस के कप की फिनिशिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, हमने इसके किनारों की फिनिशिंग कर ली है। यहाँ पर हमने
1½ इंच तक इसके को जोड़ लिया है। अब इस हिस्से को तो हम रखते हैं अलग। अब हमें देखिए, कोई भी आप आपकी पुरानी ब्रा ले लीजिए और ये आप नाप लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा कितने इंच हो रहा है, खींचने के बाद नापिएगा तो ये आ रहा है 27 इंच। ठीक है, तो उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लीजिए, तो हम ये 27 + 1 इंच यानी 28 इंच का ये स्ट्रिप हमने ले लिया है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच यानी 28 × 3 इंच का हमने इसे लिया है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये स्ट्रेट स्ट्रिप ली है, लेकिन अगर बाय स्ट्रिप लें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बाय स्ट्रिप जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल जो होगी वो ज़्यादा बढ़िया होगी। तो इन दोनों किनारों को आपस में हमें मिलाकर इसका सेंटर निकाल लेना है। ठीक है, सेंटर में मैंने नोचिस लगा लिया। अब इसको हमें यूँ रखना है, ये देखिए ये सेंटर नोचिस है और यहाँ पर। अब इस ब्रा को हमें देखिए इस तरीके से रखना है स्ट्रिप के ऊपर कि सेंटर नोचिस से जो ब्रा का सेंटर है वो मैच हो जाए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए, अब हमने ये स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है कप के साथ। अब हमें इस स्ट्रिप को यूं टर्न करके सीधी साइड लाना है और यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से आप रखिए एकदम बराबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, हमने ये हिस्सा स्टिच कर लिया है। अब हमने ये दो स्ट्रिप ली है, 15 इंच इनकी लेंथ है और 1.5 इंच इनकी वेथ है। तो इसको हमें यूँ रखना है और यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है और दूसरा हिस्सा भी स्टिच कर लेना है। तो देखिए, अब हमें हाथ की सुई में डबल धागा डाल लेना है और इस तरीके से जैसे कि पाइपिंग को पलटते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें इन दोनों स्ट्रिप को भी पलट के सीधा कर लेना है। तो दोनों स्ट्रिप हमें सीधी कर लेनी है। तो देखिए, दोनों स्ट्रिप को हमने सीधा कर लिया है। अब हम ब्रा लेंगे और इसके ऊपरी हिस्से पर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे दोनों को। तो ये देखिए, दोनों स्ट्रिप को हमने स्टिच कर लिया। अब हम यहाँ से 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर भी 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, और ये जो स्ट्रिप है इसका दूसरा सिरा यहाँ पर हमें रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से दूसरे स्ट्रिप को भी यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, हमने इस स्ट्रिप को यहाँ पर स्टिच कर लिया है दोनों तरफ से, और नीचे के स्ट्रिप की भी फिनिशिंग कर दी है, जो कमर वाली स्ट्रिप है उसकी भी फिनिशिंग कर दी है। अब ये मेरे पास एक पुरानी ब्रा थी, उसके मैंने ये हुक और आई वाला हिस्सा कटिंग कर लिया है। आप चाहे तो आप इसको मार्केट से भी ले सकते हैं। तो जो राइट हैंड हिस्सा है वहाँ पर हम आई लगाएंगे और जो लेफ्ट हैंड वाला हिस्सा है वहाँ पर हम हुक लगाएंगे। तो ये भी हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने हुक और आई यहाँ पर स्टिच कर ली है। तो ये ब्रा बन के तैयार हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलिए, और सबसे एंड में थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।